हेलो एवरीवन, आई एम हरप्रीत फ्रॉम हाइड्रो ऑयल्स। मैंने लास्ट वीक आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि हम ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को कैसे कीवर्ड की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे हमने कीवर्ड को उठाना है और कैसे हमने उसको पैसेज में लोकेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, आपको मीनिंग्स नहीं पता किसी वर्ड के, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे आपने कीवर्ड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस में कैसे उसे लोकेट करना है और हम उसे कैसे स्किम करेंगे पैसेज में। तो आप एंड तक बने रहिए, लास्ट में आपके साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये फॉलो करेंगे आपके फिलअप्स कभी भी गलत नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो मैं पैसेज आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका हेडिंग है इंफॉर्मेशन थ्योरी द बिग आइडिया। अब इसमें जो फिलअप्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोब ट्रांसमिटेड पिक्चर्स ऑफ बोथ डैश एंड डैश देन लेफ्ट द डैश। सो ट्रांसमिटेड मेरा वर्ड हो गया, पिक्चर वर्ड हो गया, बोथ, तो मुझे आइडिया ये हो गया कि मुझे पैसेज में जो वर्ड है प्रोब ट्रांसमिटेड पिक्चर्स एंड बोथ, ये सारे लोकेट करने होंगे। या तो वो एग्जैक्टली सेम दिए होंगे या इनका एंटोनिम या सिनोनिम दिया होगा। अब हम पैसेज में इसको लोकेट करते हैं। स्किम करना आप स्टार्ट करेंगे पैसेज को, आपने सिर्फ ये वर्ड ढूंढना है। अब मैंने ये वर्ड, मुझे स्पेस और प्रोब ये वर्ड मिल चुका है। सेकंड मेरा था वर्ड ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड के लिए नियरेस्ट वर्ड जो था लॉन्च्ड, ठीक है। मैं फिर भी यहां पर कंफ्यूज हो रही हूं क्योंकि मुझे ट्रांसमिटेड का मीनिंग नहीं पता, मुझे ट्रांसमिटेड वर्ड नहीं मिल रहा है। सो मैंने आगे चेक करना शुरू करा तो मुझे यहां पर वर्ड मिला इमेजेस। इमेजेस का मतलब था, अगर आपको याद होगा, पिक्चर का मतलब होता है फोटो, दैट इज इमेज। अब इसमें दिया हुआ है बोथ, दैट मीन्स जो भी मेरा आंसर होगा वो दो वर्ड्स का आंसर होगा। अब मेरे को कीवर्ड्स मिल चुके हैं, स्पेस प्रोब, लॉन्च्ड एंड इमेज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। यहां मेरा सबसे बड़ा कीवर्ड था एंड, सो दैट मीन्स जो मेरा अब ब्लैंक में आंसर आएगा That is Jupiter and Saturn. यहां मैंने डाला Jupiter और यहां पर Saturn. आगे का question, then left the. अब उसने कोई चीज छोड़ी, That means इन्होंने, दोनों ने किसी चीज को छोड़ा। Let us locate left के लिए क्या word दिया हुआ है। And then sold out of the solar system. Sold out of. अगर आपको वर्ड sold का मीनिंग नहीं पता, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Out of means किसी चीज से बाहर। Left word already मेरा कीवर्ड था। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या चीज को वो छोड़ते हैं। और दूसरा कीवर्ड जो था the. So यहां पर अगर आप देखते हैं, out of हो गया left, the word already दिया हुआ था, तो मेरा नेक्स्ट आंसर हुआ सोलर सिस्टम। सो मैं यहां पर लिखूंगी सोलर सिस्टम। द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वर फाउंड टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पार्ट्स ऑफ द स्पेस प्रोब। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, इनको लोकेट करने के बाद वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हमने हमेशा, इवन अगर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, हमने उसको भी लोकेट करना है पैराग्राफ में, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वाला सेंटेंस कहां पर है, ताकि नेक्स्ट 35 जो आंसर हमारा होगा वो उससे आगे की सेंटेंस में होगा। सो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वर फाउंड टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पार्ट्स ऑफ द स्पेस प्रोब। सो फ्रीजिंग टेम्परेचर, अब यहां पर अगर हम देखते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, मेरा कीवर्ड आ गया फ्रीजिंग टेम्परेचर, प्रोब वर्ड मिल गया, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा यहां पर ये खत्म हुआ स्टेटमेंट। अब मेरा जो नेक्स्ट आंसर होगा वो नेक्स्ट सेंटेंस में होगा। अब उसके कीवर्ड्स हम निकालेंगे।
Scientists feared that both the dash and dash were about to stop working. Scientists को डर था कि ये दो चीजें, अब यहां पर डेफिनेट आर्टिकल है तो मेरा कोई वर्ड जो होगा वो डेफिनेट होगा. सो बोथ द डैश एंड डैश वर अबाउट टू स्टॉप वर्किंग. सो अब हम उसको लोकेट करते हैं. सेंसर्स एंड सर्किट्स वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलिंग एंड नासा एक्सपर्ट्स रियलाइज्ड. अब सबसे बड़ा की मेरा वर्ड था एंड, फिर फेलिंग, फिर उसने कहा स्टॉप वर्किंग. रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की बात हुई है, साइंटिस्ट में उसने हमें वर्ड दे दिया नासा एक्सपर्ट. ठीक है, रियलाइज दैट दे हैड टू डू समथिंग और लूज कॉन्टैक्ट विद द प्रोब फॉर एवर. लूज कॉन्टैक्ट विद द प्रोब फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए बंद होना, खत्म होना, स्टॉप वर्किंग. सो मेरा जो की वर्ड था नासा एक्सपर्ट, दैट इज साइंटिस्ट. फेलिंग इसका मतलब हुआ फियर्ड, और सेंसर एंड सर्किट. सो दो आंसर जो मेरे होंगे वो होंगे सेंसर एंड सर्किट. सो मैंने यहां पर फिल किया सेंसर एंड सर्किट. नेक्स्ट, द ओनली होप वॉज टू टेल द प्रोब टू रिप्लेस देम विद डैश. द ओनली होप टू टेल द प्रोब वॉज टू रिप्लेस, उसको किसी चीज से हम रिप्लेस करेंगे. अब देखते हैं किस चीज से रिप्लेस करेंगे. रियलाइज दैट दे हैड टू डू समथिंग और लूज कॉन्टैक्ट विद देयर प्रोब फॉर एवर. इसका जो सोल्यूशन था वॉज टू गेट अ मैसेज टू वॉयेजर 1 टू इंस्ट्रक्ट इट टू यूज स्पेस टू चेंज द फॉलोइंग पार्ट्स. अब यहां पर था इंस्ट्रक्ट चेंज, दैट इज रिप्लेस फॉलिंग पार्ट्स. अब दैट मीन्स मेरा आंसर जो होगा वो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप के बीच में होगा. द सोल्यूशन वॉज टू गेट अ मैसेज टू वॉयेजर टू इंस्ट्रक्ट इट टू यूज स्पेयर्स टू चेंज. स्पेयर्स कीवर्ड, स्पेयर्स मेरा आंसर होगा बिकॉज यहां पर जो कीवर्ड था रिप्लेस था, रिप्लेस के लिए वर्ड दिया है चेंज, तो किस चीज को चेंज करेंगे, स्पेयर्स को. सो आंसर है हमारा इस सेंटेंस का स्पेयर्स. A dash was used to transmit the message at the speed of light. A dash was used. किसी चीज को use किया गया था transmit करने के लिए message at the speed of light. ये मेरे keywords हैं. By means of a radio dish belonging to NASA's Deep Space Network, the message was sent into the depth of space. Even traveling at the speed of light. मेरा जो keyword था speed of light. अब क्या चीज है जिससे message जो था transmit होगा. By means of a radio dish. That means radio dish के जो कि NASA को belong करती है, ये हमारे message को send out करेगी to the depth of space, even traveling at the speed of light. So next जो answer था वो मेरा वर्ड था रेडियो डिश. आई होप जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर की है वो आपको हेल्प करेगी. एंड आप इस सेम तरीके को जो मैंने आपको समझाया कीवर्ड और पैसेज को स्किम करके आप फिलअप्स में मास्टरी कर सकते हैं. इसमें आपको मीनिंग्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको लोकेशन को लोकेट करना है शीट पे, और उसके बाद आप हमेशा याद रखिए जब भी आपको लोकेशन मिल जाए आपका आंसर उसी स्टेटमेंट में होगा. फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस से लेकर एंड ऑफ द सेंटेंस तक आप उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप कीवर्ड के हेल्प से आपका राइट आंसर मिल जाएगा. इसमें मीनिंग्स की कोई जरूरत नहीं है, इसमें वोकैबुलरी की कोई जरूरत नहीं है. आप इसे ट्राई कीजिए एंड आई एम होपफुल कि ये आपको हेल्प करेगा. स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी आप सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो मैं हेडिंग्स पर बनाऊंगी, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है. एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीक.